इस समय हम मौजूद है गोहाणा की नई सब्जी मंडी में और सरकार का एक नया फरमान आया है और उसके खिलाफ सभी व्यापारी जो इकट्ठा हुए हैं, आढ़ती इकट्ठा हुए हैं और 20 तारीख को पूरे प्रदेश की मंडियां बंद कर दी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं, जयदीप कुंडू है, मंडी के प्रधान है। कुंडू साहब, क्या कुछ तैयारी है, क्या नया फरमान आया और क्या चीजें हैं? काले कानून अभी फरमान करते हैं, एक ही शाम गोंडा टैक्स है, हो जो लॉकडाउन में चालू कराया था उसको बता आ गए, 50% कर दिया गया। क्या है पूरा बताओ? पूरा मैटर यू भाई साहब, इसमें 2% गवर्नमेंट को दिया, अब 1% HDR और पूरे साल की एडवांस फीस, 2 साल का इन्हें स्केल उठाया जो पिछला, तो उसमें इस पिछले साल किसी का 2 लाख का काम हो रहा है, किसी का 5 लाख का हो रहा है, अगले साल का क्या पता कितने का होगा, कम का होगा, बत्ती का होगा, इसमें एडवांस तो फीस कर रखी है इन्हें, और 1% HRD का यू सिस्टम है, तो सरकार ने यू खाम का थोपड़ लग रही है बिल्कुल। तो 20 तारीख को मंडी बंद? हाँ, मंडी बंद रहोगी बिल्कुल, ना कोई मासाखोर बैठेगा, ना कोई अड़ती बैठेगा, अड़ताल पे गेट पे बैठे सभी अड़ती। और प्रधान है दीपक जी हमारे साथ। दीपक, क्या चीजें हैं ये, एक के बाद एक नई मुसीबत रोज? देखो, सरकार ने मुसीबतों का तो घर बना ही रखा है, दिन पर दिन, कभी किसी पे कुछ थोपती है, कभी किसी पे कुछ थोपती है। हमारा हरियाणा सब्जी मंडी का संगठन, एक संगठन CM साहब से और CA साहब से मिला था, तो उन्होंने एक मांग की थी, भाई जो ये इंस्पेक्टर राज है इसको ख़त्म किया जाए, जो बड़ी मंडियां हैं उनसे 71,000 रुपये पर लाइसेंस ले लिया जाए, तहसील की मंडियां हैं उनसे 51,000 रुपये ले लिया जाए, और जो हमारे उससे भी छोटी मंडियां हैं उससे 21,000 रुपये टैक्स ले लिया जाए। तो हमने उनसे ये डिमांड रखी, उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टरी राज भी वैसे के वैसे रखा, 1% तो HRDF हमने भरना ही भरना है, और उन्होंने स्लैब ना दिए, जैसे 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में जिसने पिछले साल फीस भरी थी वो इस साल 2,84,000 भरेगा अपने आप ऑटोमेटिक, चाहे उसके पास माल आए या ना आए, धंधा करे ना करे उससे 2,84,000 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे और 1% HRDF भी भरना पड़ेगा उसको। तो उनसे हमारी ये बात हुई थी, जब भी ये आप बनाओ तो हमारे जो भी पदाधिकारी हैं हमारी टीम को साथ में लेके इस तरह से बनाया जाए। उन्होंने तो अपने आप बना के और ये सारी चीज़ें हमारे सब्जी मंडी वालों के ऊपर थोप दी हैं, जो ये काला कानून बनाया है उसके विरोध में हम पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियां 20 तारीख को सब्जी मंडियां बंद रहेंगी। अगर फिर भी नहीं मानते तो नहीं मानेंगे तो हम अपने दुकानें बंद कर देंगे और लाइसेंस सरकार को सौंप देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे हम। तो फिर ये करोड़ों रुपए की दुकानें आपने ले रखी, तो जो ये हमारे से टैक्स एडवांस ले रहे हैं, हम तो इनके किराएदार हैं, ये हमारी दुकानें थोड़ी ना, अब हम तो इनके दुकानों पर किराए के लिए बैठे हैं, हमारा काम हो या ना हो हम हमारे से ये एडवांस फीस मांग रहे हैं। तो ये बताओ, ये मतलब क्यों ऐसा हुआ है, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी, कुछ खत्म करना चाहते व्यापारी? नहीं, व्यापार तो ये खत्म करना ही चाहते हैं, व्यापार से कैसे उभरेंगे। पिछली सरकार ने क्या किया था, 2014 से लेकर 2020 तक सब्जी और फल के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था, 0% टैक्स था। इन्होंने क्या किया, जब ये पीछे कोरोना महामारी आई 2020 में, तो इन्होंने ये टैक्स शुरू कर दिया दोबारा से, पूर्व की सरकार ने ये बिल्कुल माफ किया हुआ था, इन्होंने 2020 में ये हमारे ऊपर 2% लागू कर दिया, भाई सरकार के पास पैसा भी कम है और इससे कुछ ना कुछ मदद भी होगी, तो जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको माफ कर देंगे फिर से। ये माफ तो क्या कर रहे हैं, ये और बढ़ा के ले रहे हैं हमारे से। तो ऐसा तो फिर जिस तरह से जयदीप भी बता रहे थे कि काले कानून आ गए हैं व्यापारी के लिए, ये तो काले कानून है ही, ये तो हमारे को किराएदार बना रहे हैं। जो अगर किसी भी व्यापारी के पास किसी भी आढ़ती के पास पिछले साल जमींदारा बहुत ज्यादा आया होगा, इस साल वो सक्षम नहीं होगा काम करने के लिए, कैसे आ जाएगा वो, कैसे आ जाएगा? अगर वो बीमार पड़ गया या वो मर गया, जो उसके बच्चे हैं वो नहीं कर सकते काम आगे, तो वो टैक्स को एक साल पहले कैसे पे कर देंगे? इनको समझ तो है नहीं, और ये कानून बनाए थे काले,
ये काम होते हैं समझ से, इनको किसी चीज का पता नहीं होता। आरती तो ये चाह रहा था फीस को खत्म किया जाए। अब जिसका 2 लाख से 2,50,000 तक का स्लैब है और उससे ये 2,84,000 रुपये भरवा रहे हैं, वो 50% तो वैसे बढ़ा दी और उसका इस साल काम हो या ना हो। अगर कोई आदमी मर जाता है पैसे पहले जमा होगे, उसके बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कैसे काम कर लेंगे। तो इसका विरोध कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और इस गुंडा टैक्स से हम मुक्ति चाहते हैं। 20 तारीख को सब्जी मंडियां पूरे हरियाणा प्रदेश की बंद रहेंगी और गोहाना सब्जी मंडी हरियाणा प्रदेश के साथ बिल्कुल साथ में है, कंधा के साथ कंधा मिला के चलेगी। और गोहाना के भी सभी आड़ती जितने भी सब्जी मंडी में आड़ती हैं सभी एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। और हमें 1 महीने के लिए भी सब्जी मंडियां बंद रखनी पड़ी तो हम रखेंगे। व्यापारी जो है वो 20 तारीख को मंडी बंद करेंगे, मांसाखोर भी साथ। मांसाखोर और व्यापारी का दो आड़ती का तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग तो ये चल नहीं सकते। हम सब एक साथ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मतलब बंद रखोगे तो कोई सब्जी नहीं बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा, बेचने की तो बात दूर, सोचने की भी बात नहीं। तो अगर 1 महीना ही बंद करनी पड़ेगी, मजदूर आदमी को गुजारा करेगा? ये तो वो ये हमारी समस्या तो ये सरकार की भी समस्या होगी, हमारी समस्या के साथ सरकार समस्या नहीं मान रही, इसलिए तो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है।